निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहां के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। बोलो माता रानी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलो परमेश्वर की राशि शक्तिपति जी महाराज की जय। जय माता की जय। माता की जय। माता की जय। माता की जय। प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम्
प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता दी सत जय निज माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों माँ के भक्तों एवं इस सूर्य व्यवस्था में लगे हुए समस्त शिष्य कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। इस पवित्र धाम जिस स्थल पर हर पल माँ का गुणगान चल रहा है, हम आप सभी के लिए वो सौभाग्यशाली क्षण होते हैं जितने क्षण भी इस पवित्र धाम पर मैं स्वतः या आप लोग यहाँ गुजार रहे होते हैं। शिष्यों को स्वतः अवगत है कि मैं स्वतः इस पवित्र तपस्थली से बाहर जाना पसंद ही नहीं करता। उसके पीछे मूल कारण वही है कि जिस जगह पर सत्य उपस्थित हो, जिस जगह पर माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा की उपस्थिति हो, जिस जगह पर भविष्य में माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा के मूल स्वरूप की स्थापना होनी हो, उस स्थान के तुलना में जब भी मैं किसी स्थल के बारे में चिंतन करता हूं तो कोई उसके समकक्ष भी नजर नहीं आता। अपने आप मन एकाग्र हो जाता है कि इस स्थान के बाहर जा करके मुझे मिलेगा क्या। अगर मैं कहीं बाहर की यात्रा करूंगा, बाहर कहीं जाऊंगा तो उससे मिलेगा मुझे क्या। जो तृप्ति जो आनंद यहाँ की रजकणों के बीच बैठकर मिलता है, जो आनंद माँ के गुणगान जो कानों में सुनाई देते रहते हैं, उनसे जो आनंद और तृप्ति प्राप्त होती है, उस तृप्ति की तुलना किसी दूसरी किसी भी चीज वस्तु किसी स्थान से की नहीं जा सकती। वही विचारधारा मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाती है कि केवल उस सत्य को समझने का प्रयास करें। मेरी अपनी बातें बड़ी सरल सहज चिंतनों के माध्यम से आपको दी जाती हैं। मैं आप लोगों का यहाँ आह्वान करता हूँ, उसके पीछे केवल मात्र एक चिंतन होता है। क्योंकि मुझे अपने जीवन की यात्रा का ज्ञान है, मैं चाह करके आप लोगों के बीच उतना अधिक समय जिस तरह से आप लोग अपेक्षा करते हैं भविष्य में भी नहीं दे सकूँगा। मेरा जीवन साधनात्मक है, अधिकांशतः एकांत की साधनाओं का लक्ष्य है। भविष्य में भी यज्ञ स्थल के निर्माण के बाद अधिकांशतया मेरा समय उस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि के समक्ष ही व्यतीत होना है। बचपन से आज तक मैंने अधिकांशतया एकांत केवल माँ के चरणों की आराधना के चिंतन को अधिक महत्व दिया है। उस सत्य की ओर आप लोगों को बार बार खींचने का मूल लक्ष्य होता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ना तो कोई कथानक सुनाने के लिए बुलाता हूँ, ना तो आप लोगों से किसी प्रकार की अपेक्षा होती है कि यहाँ का कोई सिर किसी तरह से आपके धन अर्जन के लिए लगाया जाता हो, या आपसे किसी प्रकार की मुझको सेवाएं लेना हो। मेरे अंदर की जो बेंद्रा है, मेरे अंदर की जो तड़प है, जो मैंने माता आदि सत्यजननी जगदम्बा के चरणों में संकल्प लिया है, उस चेतना के प्रवाह से केवल आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ उपस्थित हो जाने के बाद केवल आप लोग यदि उस विचारधाराओं को पकड़ लेंगे तो एक साधक के पास जो चेतना तरंगे होती हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा जीवन साधनामय है, मेरे लाभ देने का मार्ग भी केवल चेतना तरंगों के माध्यम से है। यदि मैं कथानकों चिंतनों में बैठ जाऊंगा तो उससे आपका हित नहीं होना। मगर जिस विचारधारा से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, जब तक आप लोग उस विचारधारा से उसी भावना से आप लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक लाभ का जो प्रवाह है, जो आप लोग अपेक्षाएं रखते हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती।
यदि आप लोग उस विचारधारा को पकड़ लेंगे तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा जिस प्रकार से हजारों वर्ष से बंद किसी काल कोठरी में केवल अंधकार का पूर्णतया साम्राज्य हो, मगर एक छोटा सा भी सुराख बना दिया जाए और सूर्य के प्रकाश की यदि एक किरण वहां प्रवेश कर जाती है तो हजारों हजारों वर्षों से छाया हुआ बैठा हुआ वह अंधकार एक मिनट में गायब हो जाता है, एक पल में दूर चला जाता है। वह नहीं कहता कि यहां पर मेरा हजारों वर्षों से साम्राज्य था, वह नहीं कहता कि यहां पर तो मेरा आधिपत्य था, मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, बार बार आपके पास बार बार द्वंद करने की भी क्षमताएं नहीं रह जाती, केवल सत्य की एक प्रकाश किरण आते ही, क्योंकि वास्तविकता में अंधकार का कोई अस्तित्व होता ही नहीं, अंधकार का कोई साम्राज्य है ही नहीं, कलिकाल का कोई साम्राज्य है ही नहीं, हम कलिकाल मान बैठे हैं इसलिए कलिकाल हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित किए बैठा है। सत्य से हम दूर हुए नहीं कि हम स्वाभाविक असत्य के गर्त में अपने आप गिर जाते हैं, और सत्य की एक किरण को हम यदि हासिल कर लेते हैं तो असत्य अपने आप दूर भाग जाता है, तो हमें असत्य को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है, कलिकाल को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक लक्ष्य की पूर्ति करना है कि अपने हृदय के किसी कोने में वह प्रबल आस्था जागृत करना है, वह अटूट विश्वास जागृत करना है कि माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के प्रति हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाए, क्योंकि उस प्रकट सत्ता से उस प्रकट सत्ता की चेतना तरंगे हासिल करने के लिए केवल हमारे पास मानव समाज के पास भक्तों के पास शिष्यों के पास केवल एक मार्ग होता है, भक्ति मार्ग, और इस भक्ति रूपी एक किरण भी हमारे अंदर पैदा हो गई तो माता आदि सत्यजननी जगदम्बा की तरंगों से चेतना तरंगों से हम दूर नहीं रह सकेंगे, असत्य हमसे दूर भागता चला जाएगा, अवगुण हमसे दूर भागते चले जाएंगे, विषय विकार अपने आप दूर भागते चले जाएंगे। आप कह देंगे क्या हम भक्त नहीं हैं, हम इतने साल से कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई चार घंटे पाठ कर रहा है, कोई किसी तरह के व्रत रह रहा है, कोई किसी तरह के अनुष्ठान कर रहा है। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आप भक्ति तो कर रहे हैं मगर आपकी दिशा सही नहीं है। यदि हम ये कह दें आंख बंद किए हुए बैठे रहें और कह दें हमको कुछ बाहर दिखाई ही नहीं देता, हम देखना चाह रहे हैं, देख कोई ये कह भी रहा कि बाहर प्रकाश है केवल आप आंखों खोलो और बाहर देखो, मगर हम आंख केवल खोलने का कार्य ना करें, केवल आंख बंद किए बैठे रहें तो हमें बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जबकि केवल आंख खोलते ही हमें बाहर का सब कुछ दृश्य दिखाई देने लग जाता है। तो यह हमारी केवल एक विचारधारा का फेर है, यदि उस विचारधारा में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, जिस तरह पूर्व के चिंतनों में मेरे द्वारा बताया गया है कि हम उस प्रकृति सत्ता के अंश हैं, पहले इस बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि जो वास्तविक सत्य है कि अनंत लोकों की अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की जो मूल जननी है वह माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा हमारी और आप सभी की आत्मा की जननी है, उस आत्मा की जननी से वह भक्ति का हम रिश्ता जोड़ लें, शिष्यत्व का रिश्ता जोड़ लें, और भक्ति यदि वही संकल्प में विकल्प वाली बात हो तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। आप शब्दों की गहराई पे क्यों नहीं जा पाते, जिस तरह मैंने कहा था प्रेम शब्द किस तरह भटक रहा है कि प्रेम शब्द आते ही विषय विकार वासनाओं का शब्द आ जाता है, जबकि प्रेम शब्द का उद्बोधन होते ही हमें माता आदि सत्यजननी जगदम्बा याद आनी चाहिए, हमारे माता पिता याद आने चाहिए। उसी तरह हम भक्ति तो कर रहे हैं मगर भक्त की गहराई की एक तरंग भी प्राप्त नहीं कर पाते। यदि भक्त कोई भी अपने आप को भक्त कहता है तो उसके पास पूर्ण निष्ठा विश्वास समर्पण की चरम सीमाएं होनी चाहिए, और चरम सीमाएं उस बिंदु तक कि फिर कहीं संशय नाम की जगह न रह जाए। केवल आपको एक ठोस विचारधारा अपनाना है, केवल उस सत्य को स्वीकार करना है कि मेरी आत्मा सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा सत्य है, उनसे मुझे जो मैंने रिश्ता जोड़ा है, जो मेरा रिश्ता जोड़ना मेरा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य में किसी प्रकार का विकल्प शेष ना बचे,
असमंजस से ना बचे। और वह रिश्ता यदि किसी कामनाओं से आप लोग जोड़ रहे हैं तो यह भक्ति का रिश्ता नहीं हो सकता। आप लोग जितनी भी भक्ति करते हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के यह नहीं कह सकता, क्योंकि भटकाव कहां पर आ रहा है, आप पूर्ण लाभ क्यों नहीं लाभ प्राप्त कर पा रहे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी के आवरण क्यों नहीं हट पा रहे। आप कभी किसी मंदिर पर गिड़गिड़ाते हैं, कभी किसी स्थान पर गिड़गिड़ाते हैं, कभी किसी स्थान पर प्रार्थना करते हैं, मगर प्रार्थनाओं का फल आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाता। आप तृप्ति और संतोष का जीवन नहीं प्राप्त कर पाते। उसके पीछे मूल वही कारण है कि आप भक्त की भावना को समझ ही नहीं पाते कि भक्त की भावना हमारे अंदर किस बिंदु तक होनी चाहिए, किस चरम सीमा तक होनी चाहिए। भक्त के पास तो सिर्फ केवल समर्पण का भाव होना चाहिए। हम जिसकी जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है उसमें सोचने का हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि हम अपनी सोच विकसित करेंगे तो हम किसी के भक्त बन ही नहीं सकते। भक्त बनने का तात्पर्य है सर्वस्व समर्पण, और सर्वस्व समर्पण करने के बाद हमारा इस हमको जिस रूप में रखे, जैसे रखे वैसा हम जीवन जिए। केवल आप वही विचारधारा नहीं अपना पाते, आप समझ ही नहीं पाते कि माता आदि सब जगत जननी जगदम्बा जो समस्त लोकों की जननी है, जिनके सामने ऋषि मुनि देवी देवता हाथ जोड़ करके हर पल नतमस्तक रहते हैं, उस प्रकट सत्ता को केवल क्या हमें अपना विवेक देने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या हमें उसे कभी ये बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? केवल अगर एक बिंदु को आप अपने अंदर से समाप्त कर दें कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जिस दिन आपके अंदर से इस तरह के शब्द समाप्त हो गए, केवल एक कामना शेष रह गई कि मुझे तो सिर्फ भक्ति और भक्ति चाहिए, सिर्फ मैं समर्पण कर देना चाहता हूं उस प्रकट सत्ता के चरणों में, उस प्रकट सत्ता के चरणों से सिर्फ एकाकार चाहता हूं, उस प्रकट सत्ता की चेतना तरंगों से अपने संबंध को जोड़ना चाहता हूं, माता आदि सत्य जगदनी जगदम्बा से केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति चाहता हूं। मैंने आप लोगों को पूर्व में चिंतन दिया है कि भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में त्रिभुवन का संपूर्ण सुख समाहित है। आप नाना प्रकार की कामनाएं करते रहते हैं, कभी किसी प्रकार की कामना करते हैं, आधे घंटे पूजा करेंगे, कभी किसी प्रकार की कामना करेंगे, कभी किसी प्रकार की कामना करेंगे। उस चरम बिंदु को यदि आप हासिल कर लें, जिस चरम बिंदु को हासिल करके आपका गुरु आपके समक्ष बैठा रहता है कि शरीर को हजारों जन्म कोढ़ियों का दे दिया जाए, अपाहिज बना दिया जाए, सब सुख पत्नी बच्चे सब कुछ किसी पल छीन लिए जाएं, मगर अंश मात्र भी उस माता आदि सब जयदिनी जगदम्बा के संबंधों में कोई फर्क नहीं आएगा। साधना करना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, सिर्फ अपने विचारों की प्रवाह की दिशा धारा को सही दिशा देने की, जिस तरह मैंने कहा एक सुराख करने की जरूरत है, सत्य का सुराख, जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ सके, उस विचारधारा को गहराई से अपने हृदय में स्थापित कर लेने का भाव। हम एक रिश्ता तो जोड़ें माता आज तक जिस विराट सत्ता की हम आराधना करना चाहते हैं, यह तो हमारे अंदर तत्काल उनके दर्शन करने की भावना कामना तत्काल उपस्थित हो जाती है। हमें अपने और उस प्रकट सत्ता के दूरी का एहसास होना चाहिए। वह परम सत्ता जिसे जिसके एक रजकण को पाने के लिए देवाधिदेव भी तरसते रहते हैं, ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, समाज का आम मानव तत्काल या तो 10 दिन या 15 दिन की एक साल की साधना में चाहता है मुझे प्रकट सत्ता के दर्शन हो जाए। हर पल आप अज्ञानता की भक्ति करते हैं, या तो कामनाओं में लिप्त रहते हैं कि आपकी आराधना में एक के बाद एक कामनाओं का भंडार लगा रहता है। आप सच्चे मन से रिश्ता प्रकट सत्ता से जोड़ना ही नहीं चाहते। जिस तरह मैंने कहा प्रकाश की एक किरण जिस दिन आने लगेगी तो अंधकार अपने आप दूर भाग जाएगा, उसी तरह जिस दिन आपने वास्तविकता का रिश्ता जोड़ लिया आपके विषय विकार अवगुण समस्याएं अपने आप दूर भागती चली जाएंगी। और जब तक वह प्रकाश की किरण का रिश्ता आप नहीं जोड़ पाएंगे, वह सुराख आप नहीं बना पाएंगे, आप कहीं पर भी गिड़गिड़ाते रहें, कहीं पर माथा टेकते रहें, सिर्फ आंशिक लाभ से आगे आप बढ़ नहीं सकते। जबकि एक रास्ता है कि वह अटूट विश्वास निष्ठा। साधना कहते किसको है? हम अपने आप को साध लें। साधना में कोई बहुत बड़े तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक विचारधारा की आवश्यकता होती है कि केवल सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करके सत्य हमसे चाहता क्या है, हम सत्य किस तरह का अपना जीवन जी करके सत्य से संबंध बनाए रख सकते हैं।
केवल उस विचारधारा को पकड़ने की जरूरत है। आज अष्टमी का दिन है, अष्टमी भक्ति प्रदाता दिन कहा गया है। आज मेरा चिंतन उस दिशा में मात्र इसीलिए है कि गुरु उन्हीं रास्तों को आपको बताने का सतत प्रयास कर रहा है, जिन रास्तों में, जिन रास्तों से मैं चल करके माता आदि जगदम्बा के रजकणों को प्राप्त कर सका हूं। आप सभी लोगों को अवगत होगा कि प्रारंभ से आज तक मैं सदैव जब अपने लिए साधना करता था तभी कृष्ण पक्ष की मासिक अष्टमी को सदैव व्रत अनुष्ठान में दिन भर रहता था, और आज जब मैंने अपने रोम रोम को हर पल के साधना या जीवन के समस्त साधना पक्षों को आपको समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है, तो अब भी उसी तरह हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप लोगों के लिए साधनारत रहता हूं। जो एक सामूहिक मेरे द्वारा चिंतन दे दिया गया था कि भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी, यह वह स्थितियां होती हैं कि हम माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के चरणों में यदि भक्ति प्राप्त करने की कामना करें, सच्चे मन से भक्ति का रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें, तो हमें माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा से भक्ति का वरदान अवश्य प्राप्त होता है। मगर मैंने वही चीज कहा कि हमारी दिशा धारा सही होनी चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, हम करना क्या चाहते हैं, प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर पहले वह भाव पक्ष जागृत हो जाए, हमारे अंदर जो अवगुण आवरण पड़े हुए हैं सुषुम्ना नाड़ी पर, जब तक सुषुम्ना नाड़ी के आवरण हटेंगे नहीं तब तक हमें दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होगी नहीं। संक्षिप्त अनुभूतियां किसी को प्राप्त हो सकती हैं, मगर सच्चा रिश्ता, जिस तरह मैंने सच्चे सुराख की बात कही कि हजारों साल के अंधकार जहां पर काल कोठरी पर हो वहां केवल एक सुराख पैदा करते हैं, एक पल में दूर भग जाता है, उसी तरह आपके जीवन में आनंद और तृप्ति तत्काल आ जाएगी जिस दिन आपने माता आदि सत्यजननी जगदम्बा से हुए भक्ति का अटूट रिश्ते की एक डोर आपने बांध ली। क्योंकि सत्य में अशांति की कोई चीज गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, कुछ प्राप्त करने की और शेष लालसा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर चेतना तत्व इतना स्वतः प्रभाव होने लगता है कि आपकी कार्य क्षमता सभी क्षेत्रों में स्वतः जागृत होती चली जाएगी, आपकी इच्छाएं वही होंगी जो आपके लिए आवश्यक होंगी। क्योंकि समाज जितना संशय में उलझनों में फंस रहा है वो केवल इच्छाएं और अपेक्षाएं ही आपको अशांत कर रही हैं, कि आपकी असीमित इच्छाएं, आपकी आवश्यकता से ज्यादा अपेक्षाएं, दो ही चीजों की जब पूर्ति नहीं होती तो मन अशांत होता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, आपसे किसी की आपसे आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो गई, आप असंतुलित हो जाते हैं, आपके अंदर तनाव आ जाता है। आप तनाव से मुक्ति पाएंगे कैसे? आप मेरे दर पे आएंगे, कल किसी के दर में जाएंगे, केवल जीवन भटकते भटकते गुजर जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा बार बार आह्वान किया जाता है कि वर्तमान समय में समाज को आवश्यकता है साधनामय जीवन जीने की, केवल कहानियां किसे सुनने की नहीं, आपको साधक बनना ही पड़ेगा और साधक बनकर के भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करना पड़ेगा। मैं तीन दिन जो शिविर लगाता हूं, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी, उसके पीछे भी वह मूल रहस्य तत्व छिपा हुआ है कि अष्टमी भक्ति प्रदाता दिन होता है, नवमी ज्ञान प्रदाता दिन होता है और विजयदशमी आत्मशक्ति को प्रदान करने वाला दिवस होता है। आपके अंदर जीवन जो पात्रता आती चली जाएगी, सत्य के उस प्रकट सत्ता के रहस्यों से मैं सतत आपको जोड़ता चला जाऊंगा। सरल से सरल आपको मार्ग बताया गया है। भक्ति में बहुत बड़े तंत्र मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, क्यों रहे निष्ठा, विश्वास, वह भक्ति भाव अपने अंदर जागृत करने का भाव। हम अपनी इच्छाओं को, चूंकि हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। यदि आपको गुरु धर्म रूपी नाव पकड़ा दे तो अनास्था रूपी भंवर जाल से अपनी नाव को आपको ही बचाना पड़ेगा, उसको दूसरा कोई नहीं बचाएगा। चूंकि गुरु आपको केवल धर्म रूपी नाव दे सकता है, वह नाव प्रदान कर सकता है, बता सकता है कि नाव को भंवर, आपकी जो भंवर है उस भंवर से बचाने का प्रयास करो। जब तक आप उस सत्य को समझोगे नहीं, तब तक यदि आप उस नाव पर सवार भी हैं और अनास्था रूपी भंवर जाल पर आप ले गए तो आप उस भंवर जाल में नाव भी आपकी जाएगी और आप स्वतः उस गर्त में समा जाते हैं। अब वही कारण आपके साथ है आज कि किसी पल तो आपके अंदर बहुत तीव्र भाव, इतना प्रबल भाव आएगा कि आपको लगेगा हम मां के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, गुरु के लिए अपनी गला काट करके दे सकते हैं, और तत्काल दूसरे दिन दूसरे क्षणों आपके अंदर वो भाव समाप्त हो जाते हैं।
वह स्थायित्व तो आपके अंदर नहीं आ पाता, और जब तक स्थायित्व तो आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप किसी के सच्चे शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, तब तक किसी के आप सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं है। केवल आपको स्थायी बिंदु हासिल करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों का बहुत ज्यादा अध्ययन कर लोगे आपको मिलेगा क्या? केवल रटू तोते की तरह पढ़ लोगे, रटू तोते की तरह किसी दूसरे को सुनाते रहोगे। आपका कल्याण किस प्रकार से होगा इस कलिकाल में, आपका उद्धार किस प्रकार से होगा, आपकी मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी? क्योंकि मुक्ति कहवे के किसको है? मुक्ति का तात्पर्य नहीं कि आपका शरीर जब नष्ट होगा तो आप किसी दूसरे धाम में एक मिनट के अंदर चले जाएंगे तो आपकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप मानव जीवन प्राप्त कर रहे हैं, हजारों हजारों बार 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 पुनः पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि जो कर्मों का लेखा जोखा, मैंने कहा जो सुपर कंप्यूटर आपके पास आपके शरीर में ही स्थापित है, जो पूर्व के चिंतनों में, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत कुछ चिंतन इन पिछले 11 वर्ष से आश्रम की स्थापना के चले हैं, हर पक्षों के चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं। सत्य तो है कि आज आवश्यकता ही नहीं मुझे किसी पक्ष की अपनी विचारधारा चिंतनों को और कुछ देने की। यदि आप उन चिंतनों को बार बार सुने, मुझे अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप लोगों को दिशाधारा मिले मेरे विचार क्या है, मेरे भावना क्या है। इसलिए जी न्यूज चैनल पर भी उसका प्रसारण प्रारंभ किया गया और जी जागरण चैनल पर भी प्रसारण चलता रहता है, जिसे आप यदि बार बार सुनेंगे तो आपको मेरी विचारधारा मिल जाएगी, मेरे चिंतन मिल जाएंगे। माता से किस प्रकार से संबंध जोड़ना है, आपके अंदर किस प्रकार की कामना होनी चाहिए, किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, ये सब पक्षों के चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं। आवश्यकता है कि आप उस दिशा पर चलें और जो मैंने लक्ष्य ठाना मैं उस दिशा पर सक्रियता से बढ़ता चला जाऊं। क्योंकि जितना मैं उस प्रकट सत्ता के चरणों में ध्यान साधना करके आप लोगों के कल्याण के लिए चिंतन करूं, उतना आप लोगों को ज्यादा फल प्राप्त हो सकेगा, उन चेतना तरंगों को आप ज्यादा लाभ प्राप्त कर चुके। मैंने कहा मेरा जीवन बिल्कुल विपरीत है। यदि समाज के आप किसी धर्म स्थानों से देखेंगे, धर्माचार्यों से देखेंगे, धर्म गुरुओं से देखेंगे, तो मैंने कहा मैं उनसे तुलना भी अपनी कभी नहीं करना चाहता, मेरा मार्ग उनसे कोसों दूर का है। वो किसी दूसरी तरफ को मुख करके खड़े, मेरी यात्रा उस माता आदि सब जननी जगदम्बा की ओर है। उनका रुख वर्तमान में कलिकाल में सत्य से असत्य की ओर मुड़ चुका है। वो केवल इतने को ही धर्म समझ बैठे हैं, बस धर्म का गुणगान करते रहो, धर्म ग्रंथों को रट लो और उनका केवल गुणगान करते रहो, इससे समाज का कल्याण होता चला जाएगा। कलिकाल में आवश्यकता है कि भक्ति का प्रवाह एक बार तीव्र गति से फिर जागृत हो, लोगों के अंदर साधनात्मक भाव जागृत हो, लोग साधक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। चाहे 5 मिनट के लिए अपने घर में बैठे, 10 मिनट के लिए अपने घर में बैठे, वह निष्ठा विश्वास जागृत हो कि निमित्तता अपने जीवन में ले आए, कि हमें निमित्त कुछ समय प्रकट सत्ता का स्मरण चिंतन करना है। और उस स्मरण चिंतन करने के लिए मैंने सरल से सरल मार्ग बताए हैं। मैंने चेतना मंत्र ओम जगदम के दुर्गाई नमः चेतना मंत्र दिया है, दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ दिया है। जिस दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ कम से कम इस भूतल पर तो यह पहला स्थान है ही है जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या होगी कि भूतल का पहला स्थान जहां माँ का अखंड दुर्गा चालीसा का गुणगान पिछले 11 वर्षों से सतत चल रहा है और अखंड अनंत काल तक चलता चला जाएगा। क्योंकि जो सत्य का प्रवाह है वो मेरे द्वारा नहीं डाला जा रहा, अखंड अनंत काल तक चलता चला जाएगा, माता आदि सब जयजनी जगदम्बा की कृपा से चलता चला जाएगा। क्योंकि मुझे सत्य का ज्ञान है, मैं अपनी यात्रा से अवगत हूं और माता आदि सर्वजनी जगदम्बा की जो कृपा है उससे भी अवगत हूं कि मां का जो गुणगान यहां प्रारंभ हुआ है वो सतत अखंड अनंत काल तक चलता चला जाएगा। मैं यहां का आह्वान करता हूं, इसलिए प्रारंभ से जब मैंने यहां की स्थापना की थी तभी मेरे दुर्गा चालीसा का पाठ यहां प्रारंभ करा दिया था कि आपका एक पल भी बेकार और निरर्थक न जाए। मैं नहीं चाहता कि आप आए मेरे चरणों पर रोएं और गिड़गिड़ाएं, मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं। मेरी विचारधारा भी नहीं कि कोई शिष्य बार बार मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मेरे सामने हाथ जोड़े, अपनी समस्याओं के निदान के लिए मेरे सामने प्रार्थना करे। उस समय या तो मेरा सर सर से झुकने लगता है या मुझे आपसे अरुचि होने लगती है। क्योंकि गुरु के सामने तो केवल एक बार अपनी बात को व्यक्त कर देना ही पर्याप्त होता है। वह गुरु आपका गुरु कैसा जिसके लिए आप बार बार गिड़गिड़ाएं, बार बार रोएं, आपके लिए क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है गुरु आपसे ज्यादा अच्छा जानता है। जिस तरह मैंने कहा उस प्रकट सत्ता को यदि हम अपने शब्द दें, उस प्रकट सत्ता को यदि हम अपना ज्ञान देने लगे, यदि मैं माता आदि सर्वजनी जगदम्बा को मैं कहने लगूं मां ऐसा हो जाए, मां ऐसा हो जाए, मां ऐसा कर लो, मैं ऐसी कृपा कर दो, मैंने तो कभी माता आदि सर्वजनी जगदम्बा से मुझे बचपन से आज इस जीवन की यदि बात कह दूं तो कभी एक क्षण भी मेरे साथ ऐसा नहीं कभी जुड़ा कि मैंने मां से किसी इस तरह की कभी कामनाओं को अपने जीवन के लिए कभी रखा हो। समाज के कल्याण के लिए तो मैंने प्रार्थनाएं रखी हैं, मगर मैंने अपने जीवन के लिए जब से भी होश संभाला केवल एक चीज रही, बस मां के चरणों के दर्शन प्राप्त हों, मां के चरणों से तार जुड़ा रहे, मां के चरणों की कृपा प्राप्त हो जाए,
मां से हुए अटूट बंधन मेरा जुड़ जाए। क्योंकि निश्चित जब मेरा भी जन्म हुआ था मैं पूर्ण चेतना से परिपूर्ण नहीं था, पूर्व जीवन के संस्कार थे। मैंने ऐसा परिवार पाया कि जहां मेरे पिताजी प्रारंभ से पूजा पाठ करते थे, आध्यात्मिक वातावरण मिला, मेरी चेतना दबने नहीं पाई। माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की मेरे परिवार में कोई आराधना नहीं करता था, मगर निश्चित है माता पिताजी राम की आराधना करते थे, भगवान शिव की आराधना करते थे, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे, नियमित आरती सुबह शाम हुआ करती थी। मेरे गांव के भी अनेक लोग यहां आए हुए हैं। माँ की कृपा से मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला। पिताजी से आप परिचित ही थे, आज यह कोना आपको रिक्त नजर आ रहा होगा, मगर रिक्तता होती नहीं, हमको केवल सोच और समझ हासिल करने की जरूरत है। उनकी भी यात्रा आपके बीच गुजरी। मैंने पूर्व में चिंतन दिया था कि जिस तरह उन्होंने घर का त्याग करके दंडी सन्यासी किस तरह का जीवन ग्रहण किया, उसके पीछे भी मेरे बिंदु थे। कि जब बचपन में मैं पढ़ाई करने जाया करता था तो अंतिम क्लास का जो खेलकूद का घंटा होता था उसको छोड़ करके वहाँ अगल बगल कुछ आश्रम बने हुए थे, छोटे छोटे कुटिया बनी थी, कभी कभी वहाँ साधु संत आया करते थे, तो मेरा मन कहीं रमा नहीं करता था। पढ़ता जरूर था मगर पढ़ने में मन नहीं लगता था, मगर ऐसा नहीं था कि पढ़ने में मैं कभी कमजोर रहा हूँ। हमेशा मैं और ज्वाला जी एक साथ पढ़ते थे, हमेशा अग्रिम पंक्ति पर बैठते थे, दो चार बच्चों के बीच हम लोगों की हमेशा गणना होती थी, मगर फिर भी एक अरुचिपूर्ण जीवन था। क्योंकि हर पल एक बचपन से ललक केवल उस दिशा की थी, क्योंकि पूर्व जीवन के संस्कार थे और इस जीवन में वो दिशा बार बार मेरे अंदर जो एक किरण हर पल नजर आती थी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, मेरे साथ उस प्रकट सत्ता के जो तार हैं उनको कहीं ना कहीं संबंध मुझको जोड़ना, प्रकट कहीं ना कहीं मुझे किसी और खींचना चाह रही है। और बचपन में कुछ साधु संत सन्यासी वहां पर आए थे जिन्होंने पिताजी से मुझे मांगा था, मगर बचपन जो मौके कि ये बच्चा गृहस्थ जीवन के योग का नहीं है, इसके योग कुछ विलक्षण नजर आते हैं, इसे हमें अपने साथ दे दीजिए, हम इसको सन्यासी बनाएंगे। मगर पिताजी की प्रकट सत्ता क्या चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है, प्रकट सत्ता जो चाहती होगा वही। उन्होंने मांगा है, पिताजी चाहते तो उनको दे सकते, मैं भी साधु संत सन्यासियों की टोलियों में घूम रहा होता, मगर वो विचारधारा माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा ने उनको प्रेरणा नहीं दी। पिताजी ने कभी, स्वाभाविक है, मैं छोटा परिवार में सबसे छोटा था, मेरे प्रति सबका स्नेह था, पिताजी ने मना कर दिया। मगर मेरे अंतर्मन की जो प्रेरणा माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा ने जगा रखी थी उसे तो कोई बंद नहीं कर सकता था। एक लगाव रहता था किसी ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर बैठूं, शांत एकांत स्थानों पर जाने का मौका मिले, मुझे कोई अपने साथ लिवा कहीं हिमालय और पर्वतों में लिवा जाए और मैं उसे एकांत स्थान पर एक घंटे का जो समय मिला करता था उसी स्थान पर चला जाया करता था। इस तरह की बातें ज्यादा समय स्कूल क्लास में क्यों छिपी रह जाएंगी। फिर ज्वाला जी भी साथ पढ़ते थे, किसी तरह वो बात मेरे पिताजी को पहुंची। मैंने पूर्व में जो बताया था कि पिताजी आए, स्वाभाविक है, माता पिता हर एक चाहते कि हमारा बच्चा केवल पढ़े। यही विडंबना आज समाज में बच्चों की के साथ हो रही है कि माता पिता केवल एक चीज का बोझ बच्चों के ऊपर पूर्णतया से लाद देते हैं कि बस पढ़ने में दिन रात एक कर दो। उन्हें बचपन से कभी अध्यात्म धर्म की ABCD सिखाने का प्रयास ही नहीं करते। यदि बचपन से आप लोगों को भी प्रारंभ में वो रास्ता बताया गया होता, छोटे से जब से आप जरा सा होश संभाले होते, तो शायद आपकी बहुत कुछ अज्ञानता तक दूर हो चुकी होती। पिताजी आवेश में आए थे उस दिन, निश्चित है मैं सबसे सब बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं। मेरे बड़े भाई भी आज शिष्य रूप से यहां मेरे पास बैठे रहते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने शायद सबसे ज्यादा परिवार में अगर माता पिता का दंड पाया होगा तो मैं था। शायद मैंने होश भी संभालू, शायद एक दो बार ही ऐसा हुआ हो कि पिताजी ने मुझे दंडित किया हो। एक दो बार दंडित करने का प्रयास करते थे तो भग जाया करता था, मगर उस बार वहां उस कुटिया में जाकर मुझको पकड़ लिए और कुछ मुझे दंडित भी किया। उस रात में बहुत कुछ रोया था और रोने के बाद मैंने माँ के चरणों में सिर्फ एक प्रार्थना की थी कि माँ जो मेरे अंदर बैठा हुआ मेरे पिताजी के पास क्यों नहीं आ रहे, पिताजी के अंदर वो प्रेरणा क्यों नहीं आ रही कि हम सन्यासी बने, हम साधु बने, हम उस तरह का जीवन जीने। मेरे अंदर बार बार भाव मुझे क्यों व्यथित करते हैं कि मुझे मन परिवार मेरे बड़े भाई रह रहे हैं, परिवार से रहे हैं, पति पत्नी से रह रहे हैं, मुझे जीवन राफ नहीं आ रहा, अरुचि सी हो रही है। रात भर रोया था कि माँ ये इनके अंदर प्रेरणा पैदा कर दो। माँ की कृपा रही कि कुछ वर्षों के अंदर ही उनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई और दंड सन्यास उन्होंने धारण किया गृहस्थ का त्याग करके। और मैंने एक जो प्रार्थना माँ के चरणों में रखी थी, चूंकि दंडी सन्यासी गृहस्थ का पूर्णतया त्याग करके गए थे, उन्होंने संकल्प लिया था मैं कभी परिवार में नहीं आऊंगा, चौहान वगैरह से आप जानकर, जो मैंने कहा चिंतन माँ के चरणों से यदि सच्चे मन से मैं उस भाव के चूंकि भक्ति का चिंतन दे रहा हूं, तो मैंने कहा अगर भक्ति वास्तव में आपके अंदर हो तो आप कोई भी माँ के चरणों में प्रार्थना रखेंगे उसकी पूर्ति निश्चित होती जा चाहिए। अपने लिए नहीं था, एक लक्ष्य था, क्योंकि जब मैं इस स्थान की स्थापना कर चुका तो मेरे चिंतन में था कि मेरे पिताजी भी दंडी सन्यासी हो, कहीं ना कहीं माँ के चरणों की कृपा से उस मार्ग में गए हैं, वह कृपा भी आकर के इस आश्रम में जुड़ जाए,
और मैंने चिंतन किया था माँ के चरणों में कि अंतिम अवस्था में वो आकर के आश्रम में अपना स्थान प्राप्त करे, आश्रम में अंतिम क्षणों पे उनके का शरीर जो अपने छूटे हुए आश्रम के अंदर आकर के छूटे। आपको याद है इसी एक वर्ष पहले इसी शारदीय नवरात्रि पंचमी के दिन वह आश्रम में आए थे और तीन सूरों की यात्रा चैतन्यता से लाभ प्राप्त किया, और कानपुर की यात्रा के बाद आकर जो एक सन्यासी ने कहा जो चेतनावान होते हैं उनको उसी तरह के स्थान अपने आप स्वाभाविक प्रकार सत्ता दे दी जाती, हमको किसी कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। मैंने तो एक सूर की कामना की थी माँ से कि माँ एक सूर कम से कम मेरे एक सूर का लाभ ले लें, उनका मन भक्त माँ आपके चरणों की ओर क्यों लग जाए, क्योंकि वो आराधना विष्णु की कर रहे हैं राम की कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूं कि मुक्ति का मार्ग चेतनता का मार्ग पूर्ण कुंडलनी चेतना का मार्ग कहां से जुड़ा हुआ है, तो आपके चरणों से जुड़ा हुआ है, और जब तक वे आपके चरणों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक उनको वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वास्तव में मेरे पिता होने के नाते उनको वह स्थान मिलना चाहिए। और यहाँ के शिष्यों से आप अवगत हैं, जो अनेकों शिष्यों आप अवगत हो सकते हैं कि अंतिम समय पर वह यहाँ के प्रति इतना रम गए, इतना प्रसन्नचित थे, माँ के प्रति इतना भाव उनका जागृत हो गया कि वह स्वतः अपने मुख से बार बार कहने के लिए बाध्य थे कि मैंने अपने 30 वर्ष जो संन्यास जीवन में गुजारे वह मैंने बेकार गंवा दिए, जो कुछ लाभ मुझे यहां मिला जो तृप्त मुझे यहां मिली वह अन्य कहीं पर नहीं प्राप्त हो सकी। और उसी चेतनता के साथ यात्रा के साथ आने के बाद गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर पुष्य नक्षत्र पर प्रदोष का दिन था, ये सब तिथियां एक साथ संयोग बन जाए, एक सूर की यात्रा मेरे साथ करके आए हूं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने शरीर में पूरी तरह तेल मालिश करवा के लगा करके, क्योंकि दो दो शिष्य यहां उपस्थित थे जिनको उन्होंने रात में जगा के बुलाया था, उनको बुला करके मालिश करा के उनको कहा बेटा तुम सो जाओ मैं ध्यान में जा रहा हूं, और पूर्णतया ध्यान में जाकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आज उनका स्थान समधी नदी के तट पर दानवीर की पहाड़ी के बगल में वहां पर दिया जा चुका है, क्योंकि उनको अभी सूक्ष्म रूप में अभी एक लंबे अंतराल तक मेरी खुद अपेक्षाएं हैं, मेरा खुद चिंतन है कि उस सिद्धाश्रम में यहीं पर वास करें, क्योंकि इससे बड़ा और कोई लोक नहीं है इस धरती पर, जो तृप्ति इस स्थान पर आने वाले भविष्य में मिलना है उससे वह और लाभान्वित हो सके, इसलिए मैंने सूक्ष्म में इसलिए मैंने वहां उनकी स्थापना की, क्योंकि मैं किसी चीज से लिप्त नहीं हूं सिर्फ लक्ष्य से लिप्त होता हूं। उस दिन की भी आप जाने मुझे जानकारी थी, मुझे सूचना मिल चुकी थी जानकारी, उसके बाद भी मैं अगर दूसरा कोई होता तो जाता वहां डेड बॉडी उनकी रखी थी उनसे रोता बिलखता व्यथा होती, मैं अपने कर्तव्य से बंधा होता हूं। मैं नित्य अपने अपनी सुबह की नित्य पूरी पूर्ण पूजन पूर्ण किया, चालीसा पाठ पे उसी तरह किया, मैं आरती उसी तरह मैंने पूर्ण की, वहां पर शिष्यों को मैंने प्रणाम उसी तरह कराया, उसके बाद जाके मैंने उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद जाके उनको मैंने वह स्थान वहां पर प्रदान किया। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति सजग, मैं वह चिंतन मूल दे रहा था कि हमारे अंदर यदि सच्ची भक्त अंतिम अवस्था पे उन्होंने जो समर्पण उनका जो निष्ठा विश्वास मेरे प्रति उस प्रकट सत्ता के प्रति जागृत हुआ उसके फलस्वरूप उन्हें वह शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्र शुभ क्षण प्राप्त हुए, मेरे हाथों से उनका अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें इस स्थान पर जिसमें कहा जो तपस्थली मैं जिस परम धाम सिद्धाश्रम का वासी हूं उसकी एक किरण यहां स्थापित कर रहा हूं, उसका एक रचकण इस सिद्धाश्रम में स्थापित करने का सतत मेरा प्रयास चल रहा है, इसलिए यह स्थान भी उसी सिद्ध धाम के समान ही तपस्थली है, उसी तरह तपोभूमि है, उसी तरह इससे भी लाखों लाखों लोग भविष्य में लाभान्वित होते चले जाएंगे। मेरी आज चुके प्रथम दिवस है इसलिए आप लोगों को चिंतन उस दिशा की ओर बार बार मोड़ रहा हूं कि वास्तव में अगर आप कुछ हासिल करने आए हैं, वास्तव में अगर आपने अपना कुछ समय बर्बाद किया है, कुछ समय आपने दिया है, आप में से अनेकों लोग ऐसे हैं, चूंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपनी सामर्थ्य अपना किराया लगा के आए हैं, किसी एक दो का किराया खुद भी लगा दिया होगा, आराम से खाते पीते यहां तक आए होंगे, मगर ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो किराया कर्ज लेकर के आए होंगे, अपने जीवन के अन्य आवश्यकताओं को थोड़ा सा रोक करके आए होंगे कि नहीं ठीक हमने नवरात्र में गुरुचरणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, हम भी जाके माँ के दुर्गा चालीसा का कुछ पाठ करेंगे, वहां कुछ सेवा कार्य करेंगे, तो अगर आप वास्तव में वो भावना लेकर के आए हैं इस आश्रम तक पहुंचे हैं तो निश्चित आपके ऊपर माता आदि सत्यजननी जगदम्बा की कृपा अवश्य है, तो उसके एक एक पल का सदुपयोग करें, क्योंकि साधना मेरे चिंतन करो और परसों भी रहेंगे, मगर आज जो प्राण मैंने कहा जिस तरह कि यहां पर मैं आपका आह्वान आपकी बैटरियों को चार्ज करने के लिए बुलाता हूं,
और उसके लिए कोई इसकी आवश्यकता नहीं कि मैं आपके पास बैठकर चिंतन देता रहूं कि आपके सामने बैठा रहूं या आप मुझसे मिले या मेरे चरण, इसलिए मैं हमेशा सूर्य के आसपास एक दो दिन पहले मिलना बंद कर देता हूं। क्योंकि मिलना बंद स्थूल शरीर से मेरा होता है, जितना मैं स्थूल से मिलता हूं उससे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म में हर पल आपके साथ रहता हूं। मेरी चेतना तरंगे आपके साथ रहती हैं, क्योंकि मैं उन धर्म गुरुओं में नहीं जो केवल स्थूल का जीवन जीते हूं। मैंने मंच से कहा है कि आपका गुरु पूर्ण कुंडली चेतना को जागृत करके हर पल यहां आश्रम में उपस्थित रहता है, और जिसके कुंडली चेतना जागृत होती है वह स्थूल से अधिक सूक्ष्म से कार्य करता है। इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में चिंतन दिया गया कि मुझे हजार तहखाने के अंदर भी बंद कर दिया जाए, मैं समाज में जो प्रवाह डालने आया हूं वह प्रवाह डालने से मुझे दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये गर्व और घमंड की बातें नहीं होती, ये मेरे जीवन की सहजता है। मैंने कहा मेरे जीवन की यात्रा ही नहीं कि मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा मान सम्मान भोगूंगा, बहुत ज्यादा समाज के बीच जाऊंगा। अधिक से अधिक मेरी एकांत की यात्रा है, उस लक्ष्य से जुड़ी हुई है जो आपके कल्याण के लिए मैंने निर्धारित किया है। और पिछले 15 वर्षों का संघर्ष जो मुझे पूर्व से जुड़े शिष्य हैं वो आज तक की यात्रा देखते चले आए हैं। मैंने कभी अनीति अन्याय अधर्म से समझौता नहीं किया। मैं चाहता तो अब तक यहां करोड़ों अरबों रुपए का आश्रम बन चुका होता, मगर मैंने कहा हर पल में मां की कृपा से और जो जिस तरह प्रकट सत्ता चाहती है, जिस तरह से यहां के कण कण को मैं अपने जो प्रकट सत्ता ने मुझे दे रखा उसे चेतनावान बना सकूं, जिस तरह समाज की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएं उसी तरह इस स्थान का भी निर्माण आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा कि आश्रम में मां की स्थापना के पहले मैं लोगों के हृदय में मां की स्थापना करना चाहता हूं, क्योंकि तभी सत्य का कार्य चल सकेगा। चूंकि आपके के गुरु का निश्चित जीवन निर्धारित है, मैं जीवन का बहुत कुछ समय आपके बीच नहीं दे सकूंगा, यह सत्य है, मगर वो समय जो नहीं दे सकूंगा उसके पहले समाज के लोगों को इतना परिपूर्ण कर देना चाहता हूं, इतना चेतनावान बना देना चाहता हूं, इतना भाव भक्ति से परिपूर्ण कर देना चाहता हूं कि वह मां की भक्ति के प्रवाह में स्वतः रत रहे और इस समाज में एक प्रवाह फैलाते चले जाए जिस चीज की नींव मैंने डाला है। उसी से समाज में एक परिवर्तन आएगा। चूंकि मैंने कहा इसलिए आपको केवल उस सत्य के पलड़े को समझकर उस सत्य के पलड़े पर खड़े होना है। भक्ति के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, जो सुराख वाली मैंने बात बताया, केवल एक भाव कि हम सत्य को सत्य के रूप में मान लें और सत्य का जो निर्देशन हमारे लिए हो रहा है उसका अक्षरशः पालन करें, उसमें अपने विवेक का उपयोग ना करें। विवेक का उपयोग करने के लिए समाज के अनेकों क्षेत्र पड़े हैं, मगर धर्म क्षेत्र में गुरुओं की केवल इसीलिए आवश्यकता होती है, धर्म गुरु की केवल इसीलिए आवश्यकता होती है कि हम धर्म गुरु के निर्देशन में अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ें, तभी आपके अंदर वास्तविकता की भक्ति जागृत हो पाएगी। जिस दिन आप लाभ हानि से परे जीवन जीने का प्रयास कर लेंगे, छोटी छोटी बातों में आपके अंदर अशांति आ जाती है, छोटी छोटी बातों में आपके अंदर अनास्था आ जाती है, पूरी आपकी बात नहीं पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इस मंच में चिंतन देता हूं तो केवल आप या मेरे शिष्यों तक सीमित चिंतन नहीं रहते। क्यों, मैं किसी धर्म ग्रंथों को मैं सिर्फ आत्म ग्रंथ का अध्ययन करता हूं और आत्म ग्रंथ से बढ़कर के दुनिया में कोई ग्रंथ की आज तक न रचना हुई है न भविष्य में रचना हो सकेगी। उस आत्म ग्रंथ में सब कुछ समाहित है, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमें देना क्या चाहते हैं, केवल वही तो कि हम सत्य पथ पर बढ़े, सत्य की ओर जाएं और सत्य के दर्शन प्राप्त करें, सत्य से अपने रिश्ते को जोड़ें, और सत्य के रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे पास जो एक मार्ग है वो आत्मा का ही एक मार्ग है, और आत्मा जो हमारे पास बैठी है वो किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई है। जिस तरह मेरे पास उस तरह वो आपके पास दिव्य आत्मा है, उस आत्मा के आवरण हम किस प्रकार हटा सकेंगे उसके लिए कोई विज्ञान हमारी सहायता नहीं कर सकेगा, हमारी सिर्फ भक्ति सहायता करती है, भाव सहायता करते हैं। जिस तरह छुई मुई का पत्ता छू लेने पर मुरझा जाता है, उसी तरह हमारी सुषुम्ना नाड़ी भाव पक्ष चैतन्य होती है और भाव पक्ष दब जाती है। आप लोग विषय विकार में सिर्फ कामेंद्रियों को चैतन्य करना सीखा है, आपने सुषुम्ना नाड़ी की चैतन्य का आनंद नहीं सीखा, आपने एहसास नहीं किया सुषुम्ना नाड़ी की चैतन्यता जिस क्षण आती है उस क्षण जो हमें तृप्ति आनंद जो भाव प्राप्त होता है जो संतुलन प्राप्त होता है वह सुख मैंने कहा भौतिक जगत में त्रिभुवन में कहीं पर भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। और जब तक उस सुख की झलक आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिस तरह आप पूर्ण प्रकाश ना प्राप्त कर सके मगर एक किरण तो प्राप्त कर लो, एक सुराख तो पैदा कर लो, उतना करना कोई कठिन बात नहीं है। यदि आप लोगों के अंदर सच्ची निष्ठा विश्वास जागृत हो जाए तो जिसे कुंडलनी चेतना कहते हैं उसकी तरंग धीरे धीरे आपके अंदर जागृत होने लगे। और जब तक मैंने कहा जिस तरह प्रकट सत्ता
को आपको अपने शब्द और ज्ञान देने की जरूरत नहीं, बार बार टोकता हूं उस बिंदु पर, कि आप ये ना सोचे कि आप एक पल में बहुत ज्यादा भाव पक्ष दिखाएं, कि बस एक पल में हम मां के आराधक बन गए, मां के भक्त बने, मां अगर कह दे तो आज हम गला काट करके रख देंगे, मां के लिए तो मां से हम भक्त हैं, हमें कमी कहां है, क्योंकि अधिकतर भक्तों की भाषाएं मुझे भी सुनने को मिलती है, सुनता रहता हूं, समाज से सुनता रहता हूं। मैंने कहा जिस दिन वह अटूट रिश्ता जोड़ लें, कि आपके संशय खत्म हो जाए, वह अटूट रिश्ता की वह भाव में भी फर्क ना है, कि जो आज भाव है वो बढ़ते क्रम में जाए, दुनिया के कोई ताकत उसमें अंश मात्र भी फर्क ना दे सके, तो जिस दिन वह भाव पक्ष आ जाएगा उस दिन आपकी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होने लगेगी। पूर्ण कुंडलनी चेतना जागृत करना इतना आसान नहीं, मगर सुषुम्ना नाड़ी में चेतना तरंग पैदा कर देना, एक वह सर्प का आनंद जिस क्षण आपके साथ जुड़ने लगेगा, उस क्षण आपके अंदर शांति संतुलन आने लगेगी, आपके विकार हटने लगेंगे, आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी, आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी, आपकी इच्छाएं और अपेक्षाएं समाप्त होने लगेंगी, आपको उतनी इच्छा होगी जितनी आपके लिए आवश्यक है, आप आवश्यकताओं की पूर्ति का जीवन नहीं जीते, आप भोगवाद का जीवन जीते। उसके बाद जो ही आपकी चेतना के जीवन का जिस चेतना तरंग का आनंद तृप्ति, जो कुछ वैभव आपके अंदर छिपा पड़ा, आप वैभव को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर तलाशना चाहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, अलौकिक आनंद अलौकिक तृप्त आपकी वो सुषुम्ना नाड़ी पर है, क्योंकि साधना पथ पर चलकर ही आपका कल्याण हो सकता है। मैं बार बार इसलिए उस दिशा में खींचता हूं, हो सकता है अनेकों बेचारे गरीब आम व्यक्ति समाज बैठा हो, जिसको धर्म अध्यात्म के एबीसीडी न जानकारी हो, तो सिर्फ कथाएं सुनने का आदि हो चुका है, मगर वो आदत आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कल तक आप शराबी थे तो आज शराब आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं शराबी इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह शराब का नशा उसी तरह कथाओं का नशा आपके ऊपर छा गया है, वो नशाओं में आप लिप्त होकर केवल एक बिंदु तक आकर के आप खिसक करके रह गए हैं, साधना पथ आपके अंदर जागृत ही नहीं हो पा रहा, यह तो मनोरंजन रास विलास रास रंग में उसमें आप आ जाते हैं। आप अपने शरीर का संतुलन करके उस दिशा में किस प्रकार बढ़ पाएंगे, इसके लिए आप प्रयास ही नहीं करते। आपकी बहुत इच्छा जागृत हुई, आपने अपने आप भागवत कर लिए या अन्य प्रकार की, जबकि आपको साथ जिसमें आप सम्मिलित हो सके, मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ लिखा, आप लोगों को भी कहता हूं 24-24 घंटे जो अनुष्ठान कराए जाते हैं उसमें आप बैठेंगे स्वतः, आप केवल श्रोता नहीं होंगे, आप खुद चालीसा पाठ करेंगे, आप खुद संतुलन तरीके से बैठेंगे, आप खुद माता आदि सत्यनी जगदम्बा की पूजा करेंगे, वहां कोई दूसरा पूजा नहीं कराएगा। जिसमें आपका कर्म पक्ष जागृत होगा, आपके अंदर भक्तिभाव जागृत होगा, आपके अंदर एक साधक के गुण जागृत होंगे, वह अलौकिक चेतना जिसने मैंने कहा एक तरंग, वह दिव्य आनंद जिसमें यदि आप चाहें, आप चाहे ना चाहे, जिस तरह मैंने कहा अभी कुछ समय पहले आज से, चूंकि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसमें मैंने बार बार कहा कि अगर घटना है आपका यहाँ आने वाला हर भक्त लाभान्वित होता है, कहीं बाहर की बात निकालने को लोग जो विषम से विषम परिस्थिति में यहाँ लाभान्वित हुए, आपको केवल एक विचार बना के अपने जीवन को शांत करने की जरूरत है। और इस धरती पर जब तक नदी के अंदर यहाँ पर प्रवेश है, अपने आप को अवगुणों से अलग हटा करके केवल एक एक पल का सदुपयोग करें, निरर्थक चर्चाओं से अपने आप को अलग कर दें, हर पल माँ के गुणगान में या तो समय दें, या किसी स्थान पर बैठ करके माँ का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, या आध्यात्मिक चर्चाएं करें, या शांति से आराम भी करें, वो भी चल जाएगा। किसी प्रकार का नफा न करें, किसी प्रकार का अपराध न करें, किसी की प्रकार की चोरी न करें, निरर्थक चीजों में एक दूसरे के विषय विकारों के भावों चर्चाओं में आप लोग बैठे नहीं, तो आपका एक एक पल सार्थक हो जाएगा। हर व्यक्ति लाभान्वित होता, मैं एक दो की बात नहीं करता, एक सामान्य भी घटना अभी चौहान से आप अभी लगातार देख रहे हैं, शायद चेतन अवस्था में बैठा है, यहाँ 50 शिष्यों का आश्रम के मालूम है कि आज से 2-3 दिन पहले लगातार पिछले 15 दिन से बुखार में चल रहा था, खांसी जोरों से ज्यादा आ रही थी, आज से 7-8 दिन पहले बार बार मुझको याद दिला रहा था, गुरु जी शिविर के 4-5-6 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, तबीयत नहीं ठीक हो गई, कैसे काम हो, मैं चल भी नहीं, उठ नहीं, बैठ नहीं पा रहा, शिविर का कैसे काम, पूरी का पंडाल की व्यवस्था पड़ी हुई है, गुरु जी कैसे कार्य होगा। मैंने कहा भाई बहुत टाइम है, आराम से हो जाए, परेशान मत हो। जब बिल्कुल वास्तव में नजदीक आने लगा, मुझे लगा कि पूरी तरह से वो बिल्कुल खांसने से दम नहीं लेता, पूरी तरह से एक मिनट को शांति, अभी तो इधर खांसी की आवाज भी नहीं ज्यादा सुनाई दे रही, थोड़ी बहुत ही चल रही होगी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 50-50 कर दिया जाए। मैंने कहा आधा वो ले लेगा तो उसका भी संतुलन बन जाएगा, आधा मैं ले लूंगा तो भी हजम हो जाएगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं रहता, जिस तरह वो बुखार में पड़ा रहता था, पिछले 7-8 दिन से लगातार मुझको भी फीवर चल रहा था। कल रात में वो दिन भर यहाँ, रात में काफी देर तक यहाँ कार्य करता रहा, अगर वहां मेरे निवास स्थान में रहने वाले लोगों से जानकारी ले तो मैं रात में जब तक वो यहाँ कार्य करता रहा मैं सो नहीं पाया, असंतुलित प्रकार से मेरी खांसी चल रही थी, जिस तरह खांसी का एक प्रवाह चल रहा था, रात में 2-3 बार मैं उठ करके काफी देर मुझको टहलना पड़ा और आज आपके सामने बैठा हूं।
बार बार जो शिष्य सुबह ही मुझसे मिल रहे थे, बोले गुरुजी आप चिंतन देंगे या कैसा क्या रहेगा, चूंकि आपको तो खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बोले क्या सामान्य सी बातें हैं, मुझे खांसी भी आ रही होती है, चूंकि मैंने कभी माँ से कामना भी नहीं करता, ये स्वाभाविक गुण है। मैं नहीं कह रहा कि वो बुखार था, बुखार नहीं है, मैं आपके बीच फिर भी उसी तरह मैं अपने कार्य को कभी नहीं रोकता। ऐसा नहीं रहता कि मेरे शरीर में शिष्यों की तकलीफें आती हैं, अनेकों प्रकार की आप लोगों को एहसास नहीं रहता कि जब आप किसी वेदना से प्रताड़ित होते हैं, आपका शिष्य आपसे वो तार जोड़ चुका है, आपकी भावनाओं से तार जोड़ चुका है, क्योंकि मैं जब अब जीवन का एक एक पल आपको संकल्पित कर चुका हूं, माँ के चरणों में बार बार संकल्पित करता हूं नित्य कि मेरे जीवन का एक पल का भी सत्कर्म, एक पल की भी प्रार्थना मेरे जीवन के साथ न जुड़े, वह आप लोगों को मैं समर्पित कर चुका हूं, केवल वह भाव आपको जागृत करने की जरूरत है। सिर्फ मैंने कहा जिस दिन आप एहसास कर लेंगे आपका गुरु कितना सामान्य जीवन जीता है, कि वो जो चाहे जिस तरह की सुख संपदा चाहे इकट्ठा कर सकता है, मगर साधना रिद्धियां सिद्धियां इसके लिए नहीं होती। रिद्धियां सिद्धियां हमारे भौतिक जगत के संसाधन उपलब्ध करने के लिए नहीं होती। रिद्धियां सिद्धियां इसलिए नहीं होती, छोटी समस्या आ जाए महा तत्काल उन रिद्धियों सिद्धियों का उपयोग कर लें। रिद्धियां सिद्धियां मेरे जीवन की तृप्ति के लिए हैं, मेरे साधनात्मक पथ में बढ़ने के लिए। यदि कोई अवरोध आए तो उस अवरोध को किस तरह पैर ठोकर मार के हटाया जा सकता है, उसके लिए रिद्धियां सिद्धियां, उसके लिए मैं पहचान सकूं कि आपको मुझे क्या लाभ देना है क्या नहीं देना, आपको मैं भूत भविष्य वर्तमान को देख सकूं, ये मेरे लिए आपके बताने के लिए नहीं है। मुझे रिद्धियां सिद्धि इसलिए मैं पहचान सकूं किसको मुझे नजदीकता देना, किसको मुझको दूर भगाना है, किसको मुझे क्या लाभ देना है किसको मुझे क्या लाभ नहीं देना है। आनंद सूक्ष्म का है, चैतन्य योगी स्थूल जगत से ज्यादा सूक्ष्म से तृप्ति प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म का आनंद लेते हैं, वही उनका आनंद होता है। उस सत्य की ओर ही आपको ले जाना चाहता हूं जिस चार रास्ते पर मैंने स्वतः चला, मेरी भी बचपन अवस्था थी, मैंने भी उसी तरह का जीवन जिया है, मैं भी पढ़ाई लिखाई को उसी तरह की स्थिति में, मगर मैंने कहा सत्य जिस तरह है, वह एक छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं कि उन भावों को आप अपने बच्चों में भी प्रेरित करके भर सकें। पढ़ाई लिखाई ही जीवन की पूर्णता नहीं दे सकती, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए आपका कर्तव्य बनता है, आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं उससे पहले प्रेरित करें धर्म पथ के लिए, क्योंकि माता पिता के मैंने कुछ कर्तव्य बताए हैं कि माता पिता का कर्तव्य है बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना और उन्हें धर्मवान बनाना। ये तीन हर माता पिता के वह कर्तव्य हैं कि जिन कर्तव्यों का पालन कर लें तो बच्चे सही दिशा में स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। आज आप लोग अशांत रहते हैं कि बच्चे हमको सुख नहीं दे रहे, और फलिचित तो आप लोगों की ये कामनाएं हर पल आपके कि आपके पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो आपका पुत्र आपको मुक्ति दे देगा। मैंने माँ के चरणों में पहले तो शादी ही नहीं करने का एक भाव था, चिंतन था कि मैं शादी नहीं करूंगा, समाज की सेवा में जो मेरा चिंतन था माँ की आराधना और समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैंने कहा कि मगर फिर माँ का जो चिंतन मिला कि गृहस्थों के बीच जो चिंतन देना है, यदि मैं गृहस्थ का जीवन स्वतः नहीं जीऊंगा तो शायद समाज को उस चैतन्यता के साथ जीवन चिंतन नहीं दे सकूंगा, उस चैतन्यता के साथ समभाव से शिष्य और शिष्यों को एक भाव से ग्रहण नहीं कर सकूंगा, उस भाव से नजदीकता नहीं दे पाऊंगा। मैंने वो चिंतन लिया और जब बच्चों की समाज की स्थिति आई तो मैंने माँ के चरणों में सिर्फ एक कामना की थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं पुत्रियों का जन्म हो। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस रास्ते पर मैं स्वतः चलता हूं कि पुत्र और पुत्रियों में भेद छोड़ दें। इसकी कामना क्यों करते हैं कि पुत्र आपकी चिता को जब आग नहीं देगी तभी आपको मुक्ति मिलेगी, पुत्र आपका जब क्रियाकर्म करेगा तभी आपको मुक्ति देगा। यह आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है। आप अपनी मुक्ति स्वतः नहीं हासिल कर पाते कि आपका पुत्र आपके न रहने पे जो आपको कल तक डंडा मारता रहा हो गाली देता रहा होगा वो आपको चिता को अग्नि दे देगा, थोड़ा सा कर्मकांड के कार्यक्रम करा देगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी बंधन से आप पहले भी बंधे रहते हैं और बाद में आत्मा भी आपकी बंधी रहती है। जबकि आप अगर चिंतन करें जो क्रियाकर्म आपका पुत्र आपके मरने के बाद करेगा उससे ज्यादा आप स्वतः अपने जीवन में क्यों नहीं कर लेते, फिर आप किस मुक्ति की कामना करते हैं। जितना अंतिम क्रियाकर्म से लाभ आपको नहीं मिलेगा उतना यदि आप 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ अपने घर में करा लेंगे या श्रद्धा विश्वास से यहां आकर के चालीसा पाठों को उसी तरह धीरे धीरे करके कि आपके 24 घंटे के गुजर जाए, वो चाहे एक महीने से चाहे एक साल में कभी आके 10 पाठ कर गए कभी 10-15 मिनट गुजार गए तो आपको उससे ज्यादा आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आप सत्य को सत्य के रूप में सिर्फ ग्रहण नहीं कर पाते, पुत्र और पुत्रियों में कोई भेद नहीं रहता। ये छोटी छोटी बातें जब तक आपके विचारों में ये नहीं आएंगे तो आप बंध चुके। मैंने कहा जिस तरह कथावाचनों के ने आपको बांध रखा है कि ऐसा होगा तभी आपकी मुक्ति मिलेगी, आप इस तरह करो इस तरह ना करो, आपके अंदर एक विचारधारा इतनी दम चुकी कि आप उसके विपरीत जब भी सोचते हैं आपके पास पुत्र नहीं आप अशांत रहते हैं, पुत्र नहीं हमारा क्या होगा, हम मुक्ति नहीं पाएंगे, हमारी आत्मा भटकेगी, हमारे साथ क्या होगा। जबकि आपके अंदर ये भाव भी नहीं होना चाहिए, निरर्थक बातों में आप सोचते रहते हैं, पितृपक्ष हम पूजा करें आराधना करें या ना करें, अनेकों छोटी छोटी भ्रांतियां, चूंकि इन तीन दिनों में जो अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगा।
क्योंकि आप लोगों को जो जानकारियां मिले उसी प्रति मेरे चिंतन रहते हैं, आपके अंदर भक्ति भाव जागृत हो सके, आपका इस स्थान को जो माँ का अखंड गुणगान चल रहा है आप उस विचारधारा को समझ सकें कि अगर मैं यहाँ जंगल में बैठ करके आकर के अगर इस स्थान की स्थापना कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या, अगर मैं 15 साल से संघर्षों की यात्रा तय करके भी अनित्य अन्याय धर्म के रास्ते को नहीं तय कर रहा तो उसके पीछे क्या चिंतन है, मैं अन्य साधु संत सन्यासियों के मंचों को ग्रहण नहीं कर रहा तो उसके पीछे मेरा क्या चिंतन है, मैं आज जिस क्षेत्र में जिन वस्त्रों को पहने बैठा हूँ उन्हीं वस्त्रों को धारण करने वालों को पैर पर ठोकर मारने की बात कहता हूँ तो उसके पीछे क्या चिंता है, कोई गर्व घमंड की बात नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस विचारधारा से समाज का कल्याण होना है, क्योंकि जब तक वह विचारधारा पैदा और उस विचारधारा, क्योंकि इसीलिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया है उस विचारधारा को आपके अंदर डालने के लिए, कि उस विचारधारा जो माता आदि सत्यदेवी जगदम्बा की विचारधारा मेरे अंदर है, जिस दिन वह विचारधारा आपके अंदर आ जाए तभी परिवर्तन का चक्र चलेगा और उस परिवर्तन के चक्र को हमें आपको चलाना ही पड़ेगा, इसके अलावा दुनिया में जो आसान फैली वो दिन रात आसान फैलती ही चली जाएगी और उसके लिए केवल भक्ति अपने अंदर जागृत करने की जरूरत है, केवल वह अटूट रिश्ता कि जिस दिन आप एक दिन किसी दिन एक वह संकल्प ले ले कि यह संकल्प मेरा कभी नहीं टूटेगा कि अगर मुझे जीवन अपाहिजों का मिला जाए, मेरा सर्वस्व छिन जाए, मुझे भूखों मरना पड़े, मेरे सामने मेरे प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मेरे घर में आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, सब कुछ छिन जाए, मगर माँ की आराधना में मेरी दिनदूना चार चौगुना रात चौगुना मेरी भक्ति बढ़ती चली जाएगी कि मेरे अंदर और प्रसन्नता, ठीक जो छत छिन गया मैं और मुक्त हो गया और माँ के चरणों की ओर बढ़ूंगा, मगर आपके अंदर आपका एक परिजन खत्म हो जाए वो तो दीपावली के दिन ऐसा हो गया था हम दीपावली नहीं करेंगे, वो तो दशहरे के दिन ऐसा हो गया था दशहरा हमारा बाधित हो गया खूनी हो गया, वो तो हम नवरात्र माँ के आश्रम की ओर जा रहे थे हमारे परिवार के अंदर एक खत्म हो गया तो अब परिवार के लोग मना करते हैं कि नहीं नवरात्र में कभी देवी स्थानों में ना जाया करो, नवरात्र में ज्योति ना जलाया करो माँ की, कितना बड़ा अज्ञान है, उस माँ से रिश्ता तोड़ देना चाहते हो, उस प्रकट सत्ता के रिश्तों को समझना नहीं चाहते हो फिर भी अपने आप को भक्त कहते हो, अगर उस तरह के अगर इस तरह एक घटना तुम भक्त के रिश्ता जोड़ दो तो बाकी साल भर तुम अन्य तिथियों में चाहे जितना पूजा पाठ करते रहो आप उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो सकेगा, अटूट रिश्ता तो वह होना चाहिए, ये अलग है वह बातें, चूंकि मैंने कहा कई बार भ्रांत दिया जिस तरह कथावाचक आपको भटकाते चले कि धर्म कुछ था और स्वरूप कुछ स्थापित कर दिया, उसी तरह अगर इनमें कहीं कहा गया था कि किसी के घर में अगर कोई खत्म हो जाए तो चूंकि पहले लोगों के एक एक कमरे हुआ करते थे उसी में पूजा पाठ करते थे तो स्वाभाविक है डेड बॉडी अगर लोग दुखी रहते थे परेशान रहते थे तो वहां पूजा अशुद्धता का स्थिति एक भाव बन, जबकि अशुद्धता का भाव नहीं मानना चाहिए, मगर वो एक ऐसी परिस्थिति थी गांव में देहाती जीवन समाज का लोगों को रहता था तो लोग कहते थे हम पूजा पाठ न कर पाएंगे तो अपने पड़ोसी के घर में देवी देवता को, तब भी उनके अंदर एक भावना छिपी थी कि अगर तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते तो पड़ोसी घर में दे दो कि पूजा पाठ में कोई विघ्न न पड़े, जिस तरह आप आराधा आप दुखी हो सकता है आप आज पूजा न कर सको तो आप पड़ोसियों के घर में अपनी देवी देवताओं की तस्वीरों को भेज दो कि वह पूजा पाठ करें, मगर मेरा मानना है कि यह भी नहीं करना चाहिए, आप अपने घर में अगर आपका पूजन का छलक बना हुआ है तो आपको पूजन उसी प्रकार, अगर आपके घर के में प्रियजन के प्रिय से प्रिय व्यक्ति की डेड बॉडी भी रखी हो तो आप नित्य जिस प्रकार से आरती पूजन करते हैं उसी तरह आप आरती पूजन अवश्य करें, अगर आप अपने आप का अछूत मान चुके हो कि शमशान से आप लौट करके आ रहे हो तो आप स्नान कीजिए कपड़े बदल लीजिए, आप बहुत ज्यादा दुखी धीमे स्वर से कर लीजिए आवाज नहीं निकल रही माँ की ज्योति तो जला दीजिए, मगर ज्योति मत जलाएं, ऐसा करना शुरू कर देते हैं हम पूजा पाठ नहीं करेंगे ऐसा हो गया हम भगवान को क्यों माने ऐसा हो गया वो तो वैसा हो रहा था हम बहुत ज्यादा माँ की भक्त कर रहे थे अरुच हो गए हम देवी देवताओं से, ये किस प्रकार की आपकी भक्ति है, एक संकल्प तो लो कि हम ऐसा अटूट रिश्ता जोड़ें, क्या प्राप्त करने यहां आते हो क्या प्राप्त करने किसी देवी देवताओं के स्थानों पर जाते हो, जो रिश्ता जोड़ने की बात जब तक कोई रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो फल प्राप्त कहां से होगा, और रिश्ते के लिए उस अटूट रिश्ते को उसी भाव से जोड़ना चाहिए कि हमारा जो क्रियात्मक पक्ष इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हो, हर दुखी व्यक्ति होता है एक छोटी सी रुमाल भी किसी गिर जाती तो समाज है दुखी होगा, मगर उस दुख से अपने आप को अलग हटाना चाहिए, सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि जो परिजन था जितने दिन का था उतने दिन हमारा साथ रहा, आज जो चला गया तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अगर इस शरीर को त्याग करके गया है तो अगर पुनर्जन्म लेना होगा तो फिर हमारे बीच कहने के वो जन्म लेगा, इसलिए पूरे समाज को अपना मानने की बात कही गई है कि भेदभाव रहित हम जनजागरण की बात करें, जात भेद को मिटा करके जीवन जिए, सत्यता का जीवन जिए, संतुलन का जीवन जिए, आपको भाव पैदा करने की जरूरत है, लोग कहते हैं पितृ पक्ष में मां की आराधना नहीं करना चाहिए, किसी देवी देवता का पूजन नहीं कराना चाहिए, कोई अनुष्ठान नहीं कराना चाहिए, मैंने कहा जिस तरह अन्य दिनों में भी लाभ मिलता है, चूंकि कर्मकांडियों को पता नहीं किस प्रकार की भ्रांति एक के बाद ऐसा पैदा कर देते हैं, तो उन जिन कर्मकांडियों को सत्य का ज्ञान नहीं जिन्होंने अपनी कुंडली चेतना जागृत नहीं की इस तरह की भ्रांति पैदा कर देते हैं, क्या बताएंगे वही जो कर्मकांडी वही साधु संत सन्यासी जो इस तरह की बात कह देते हैं, क्या पितृपक्ष में किसी भी देवी देवताओं के स्थानों के मंदिरों की आरतियां कभी रुकी हैं,
क्या किसी धार्मिक किसी धर्म स्थानों में आश्रमों में उन्होंने अपने पूजा पाठ को पितृपक्ष में रोका है? जब वह लोग नहीं रोकते तो आप लोग किस बात के लिए रोक देते हैं? अरे पितृपक्ष में अगर मां की आराधना करोगे, देवी देवताओं की आराधना करो, तो उन पितरों का भी कल्याण होगा अगर आप मानते हैं कि उनका उनकी मुक्ति नहीं मिली होगी। यदि आप पितृपक्ष में आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं, साधना आराधना के लिए कभी नहीं मना किया गया। कुछ शुभ भौतिक जगत की जो कामना, उनमें आपको शुभ नक्षत्रों मुहूर्तों को देखते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ग्रह निर्माण करने जा रहे हैं तो पितृपक्ष में करें, क्योंकि मैं नहीं कह रहा नक्षत्रों मुहूर्तों का प्रभाव होता है, मगर प्रभाव भौतिक जगत के क्षेत्रों से होता है। धर्म आध्यात्मिक जगत के क्षेत्रों में जब हम विपरीत नक्षत्रों को भी पकड़ लेते हैं तो मान लो कि आप सौभाग्यशाली हैं कि विपरीत नक्षत्र आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाए, उन क्षणों पर भी आप मां की आराधना कर रहे हैं। अतः पितृपक्ष में भी आप आराधना कर सकते हैं, आपका गुरु भी उस तरह करता है, आपके गुरु में परिवार में भी, आपके गुरु के भी परिवार में परिजन ने, मैंने कहा पिताजी का मैंने उदाहरण दिया, उसके बाद भी मैं आरती करने गया, उसी तरह पूजन करने गया, उसी तरह की यात्रा तय की, उसी तरह सायंकाल आरती के सब क्रम चल रहा है। तो आपके अंदर भ्रांति समाज ने जो डाल दी, उस भ्रांति से आपको उभरना पड़ेगा, सत्य को सत्य के रूप में पकड़ना पड़ेगा।